Happy birthday. Cake to the me. Hello me. Cake. अब तक हम लोग को पता नहीं कि आगे का प्लान क्या है, क्योंकि वडोदरा जाम तो एक्सीडेंट हुआ है क्या? अच्छा ठीक है सर, उसके बाद वलसाड़, वलसाड़ के बाद वापी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा सेकंड डे आज, कल हमने स्टे किया था, तो अभी सुबह के 9:34 हो रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ मोजिनिस में, क्योंकि आज पंकज का बर्थडे है। मुझे पता नहीं था, रात को मुझे पता चला जब उसके घर से कॉल आ रहे थे तभी। एक्चुअली मैं जल्दी उठा सुबह और मैंने सोचा कि इसके लिए केक लेके आता हूँ। मैंने सर्च करके देखा यहाँ पे मॉन्टेनस कुछ तो 850 मीटर पे, तो मैं अभी जा रहा हूँ इसके लिए केक लेने के लिए। वो उठा था सुबह और मुझे पूछ रहा था किधर जा रहा है अकेले अकेले, मैं भी आता हूँ। मैं बोला महादेव के मंदिर में जा रहा हूँ, तो बोला कि मेरा बर्थडे है मैं भी जाता हूँ। तो बोले काम कर तू सो जा, बाद में आराम से जाते। तो उसके दिमाग में शक आया कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो ऐसे ही मुझे बोल रहा था तेरे को अकेले अकेले जाने का है, तो मुझे क्यों ले गया, मैं तेरे साथ ब्लॉक में नहीं दिखूंगा, सब बातें कर रहा था। लेकिन पता है वो मजाक मस्ती में ही बोल रहा था, उसको पता चल चुका है कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो अभी जा रहा हूँ बाहर, धूप देखो भाई बहुत खतरनाक वाला धूप है, और मुझे अभी मैप लगा के जाना पड़ेगा। गाइस इधर बड़े मुश्किल के बाद मुझे मॉन्टेनस मिला। एक्चुअली मैं गूगल मैप पे लगाए था ना, तो मुझे यहाँ वहाँ बहुत घुमाया इसमें अंदर के अंदर। तो मैं ऐसे ही आके रुका, मैं बोला कि मेरा होटल है मैं उधर ही जाता हूँ। तो मैंने पूछा कि चामुंडा माता का रोड कहाँ पे, तो जैसे ही रोड पे आया ना मतलब गेट पे, मैंने गाड़ी जो रोका साइड में देखा तो मॉन्टेनस था। क्या मतलब किस्मत है मेरी। अभी देखता हूँ यहाँ पे केक और लेके जाता हूँ। बाइक पे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल है गाइस, तो मैंने अभी केक लिया यहाँ से, ये वाला खा के। अभी इसको बाइक पे कैसे लेके जाओ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा हाथ में डाल के जाना पड़ेगा लगता है। चलो तो अभी ये केक ना नीचे जो क्या बोलते हैं उसको रिसेप्शन पे देता हूँ, बाद में बोलता हूँ उनको 11 बजे देता हूँ। ओए नहीं, उसने खुद मंगाया खुद के लिए। हाँ एक ही कैंडल जला रहा हूँ, एक ही कैंडल जला रहा हूँ। क्यों एक ही कैंडल क्यों? एक ही कैंडल सब जलाने के लिए कंटाला है। ये देखो ये देखो, ये पंकज की माँ है, ये बहन है, ये प्रदीप, ये तो पता ही है, सबको पता ही है। और ये हम है, और ये पंकज। चला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर पंकज, हैप्पी बर्थडे टू यू। उनको हेलो मी के खाओ। हेलो बात कर रहा था कुछ तो देना यार, क्या उतना उसको, लेकिन ब्लॉग चालू है थोड़ी ना, ये डालेगा जो डालने। अभी वापस निकलने की तैयारी हो रही है, जाने के टाइम इसका फोन आ रहा है। चेकआउट करते हैं, इतना सारा लगेज है। हाँ यार ये सब नीचे लेके जाना ना, वही ज़्यादा तकलीफ होती है। चलो पंकज जाने का टाइम आ गया। जितना मुंबई में अच्छी पैकिंग नहीं की थी वैसा, मतलब टॉप बॉक्स की बात करो, टॉप बॉक्स उससे अच्छा था बन गया। अभी ये टाइम पर तुमने ये नहीं रख दिया पहले से बंजी तक। अब तक हम लोग को पता नहीं कि आगे का प्लान क्या है, क्योंकि वडोदरा अगर हम लोग जल्दी गए और हम दोनों का प्लान बना। कौन सा बात है, कौन सा गढ़? पावागढ़। पावागढ़ जाने का, तो देखते पावागढ़ जा पाते हैं कि नहीं। चलो गाइस बहुत धूप है, ये देखो बहुत तेज धूप है, और ये तेज धूप में राइड करना मतलब खाने और विंडशीटर लिया उसके क्या करेगा पहनने का,
चलो गाइस मिलते हैं बाइक पे सीधा कुछ इस निकल गए हम लोग अभी। हेलो चामुड़ा मात की जय। हेलो चोटीला वाला ढूंगरानी जय। हे देखो गणपति बाप्पा मोरिया सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हैप्पी बर्थडे पंकज। वाह कसम तो गाइस पता नहीं ये कौन सा एरिया है लेकिन बहुत ही गंदा वाला जाम लगा है यहाँ पे। अभी हम लोग शायद वडोदरा के आगे हैं और ये देखिए पिछले 25 मिनट से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। पंकज बोला मैं चल चल के आगे जाता हूँ तो मैं बोला ठीक है लेकिन मैं भी यहाँ पे फंस गया हूँ। बाइक स्टैंड को लगा के यहाँ पे रुका हुआ हूँ। पूछ रहा हूँ मैं लेकिन इतना जाम क्यों है यहाँ पे? जाम तो एक्सीडेंट हुआ है क्या? अरे बाप रे यहाँ से सूरत जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सूरत बाइक से जाओगे इधर से आगे आलो भरूच में भी आपका ट्रैफिक रहेगा मेरे ख्याल से लगभग 3 घंटे लग जो तीन घंटे साढ़े ढाई 3 घंटे लगेंगे तो और 3 घंटे उसके बाद लगता है मुझे सुबह हो जाएगी मुंबई डेस्टिनेशन। तो ट्रैफिक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और पंकज बोला कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं लेना ही पड़ेगा ट्रांजिशन ब्रेक। ये देखो ट्रैफिक अभी भी है। अभी का आपने जो शॉर्ट डे करना लास्ट वाला वो इसके पीछे वाला था और हम यहाँ पे रुके हैं। क्या कर रहे हैं पंकज? बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ मैं अभी। इसका बर्थडे आज और क्या कर रहे हैं देखो। जो राजस्थान में मिलती है वैसी तो नहीं है। अच्छा है ठीक है सर्वाइव के लिए अच्छा है। गाइस ये गूगल टाइम आप देख सकते हो कैसा लगा राइड है। अभी बहुत कुछ बाकी है दिल्ली अभी अभी बहुत दूर जा रहा है। अभी नवसारी आएगा उसके बाद वलसाड़ वलसाड़ के बाद वापी मतलब बहुत टाइम लगेगा। तो अभी थोड़ा सी के लिए यहाँ पे रुके एक रेस्टोरेंट दिखा ओपन फिर 12 बज चुके थे। हम लोग को याद ही नहीं रहा कि हम लोग को कुछ खाना मिले तो अभी खाते और पता नहीं बीच में कुछ शूट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा आपको मैं अपडेट दूँगा घर पहुँचने के बाद। चलो गाइज एक्चुअली हम लोग 6:30 बजे आ गए थे। मेरा बाइक पंकज के बिल्डिंग के नीचे पार्क था तो वहाँ पे जाके हम दोनों ने सब लगेज निकाला सब कुछ जो मेरा सामान उसके बैग में था उसका सामान मेरे बैग में था तो सब सॉर्ट आउट करने में ही आधा एक घंटा निकल गया। अभी मैं घर पे जा रहा हूँ। घर पे जाके सबसे पहले तो नहा धो के सो जाऊँगा। और गाइज आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये वाला सीरीज़ कैसा लगा। ये गुजरात राइड मेरा फर्स्ट टाइम मैंने इतना बाइक चलाया है मतलब इतनी लंबी राइड की 20 घंटे की राइड थी। हम लोग ने बहुत सारे ब्रेक लिए इस राइड में क्योंकि हम लोग को कुछ घाई नहीं थी और 20 घंटा एक ही जगह पे बैठना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और आप लोग का प्यार कमेंट सेक्शन में निकालो और लाइक में निकालो। चलो गाइज टेक केयर बाय।